मैं आपको बताती चलूँ कि एटम दो हिस्सों का मिलता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से बाहर वाला हिस्सा। एटम न्यूक्लियस एटम के बहुत ही छोटी सी जगह पर मौजूद होता है और जिस जगह न्यूक्लियस मौजूद होता है उस जगह पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम का तकरीबन सारा मास न्यूक्लियस की वजह से है। न्यूक्लियस चूँकि एटम चूँकि एक मजबूत तौर पर न्यूट्रल जरा है, इसमें मौजूद पॉजिटिव चार्ज को मस्बत रखने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को मतवाजन रखने के लिए इसके न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। नेगेटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर गर्दिश कर रहे हैं। ये जो इन बहुत तेज और दायरों की शक्ल में गर्दिश कर रहे हैं, जिस दायरों की शक्ल में वो गर्दिश कर रहे हैं इन रास्तों को ऑर्बिट कहते हैं। न्यूक्लियस को बहुत तेज घूमने की वजह से इनमें एक कुवत मरकज ग्रेस कुवत पैदा होती है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस की तकदीर की कुवत को बराबर रख सकते हैं। इस वजह से वो उसके अंदर गिर नहीं सकते। अगली जानी बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मारिया से करती हूँ। मारिया, आप जैसा कि दोस्तों जैसे रदरफोर्ड जैसे जींस संस्थानों ने ना सिर्फ एटम पर तजुर्बात किए थे बल्कि उन्होंने बहुत सी और चीज़ों पर भी तजुर्बात किए, इसलिए आप मुझे ये बताएं कि रदरफोर्ड ने एटम पर भी तजुर्बा किया था लेकिन उसने निज़ाम शमसी पर भी तजुर्बा किया था, जिसके बारे में आप मुझे बताएँ। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे निज़ाम शमसी के मरकज में सूरज है और इसके गिर्द बहुत से सितारे गर्दिश कर रहे हैं। रदरफोर्ड का ख्याल था कि एटम के हिसाब से और निज़ाम शमसी के हिसाब से एक ही तरह की है। जिस तरह निज़ाम शमसी के गिर्द बहुत से सितारे घूम रहे हैं, इसी तरह एटम के गिर्द बहुत से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा शांता से है। आप मुझे बताएं आइसोटॉप है वो क्या होता है, क्योंकि हम अपने साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत से आइसोटॉप पढ़ते हैं, लफ्ज़ पढ़ते हैं, तो हमें मुझे बताएं कि आइसोटॉप होता है। आपका एक अंसर जिनके एक अंसर के एटम जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसे हैं और एटॉमिक मास से मुख्तलिफ हूँ आइसोटॉप कहलाते हैं। और एक साइंसदान गार्डन ने एटॉमिक थ्योरी में ये वादे तौर पर था कि एक अंसर के सारे एटम हर हाथे कैसे होते हैं और मास बराबर होते हैं। और कुछ अर्से बाद एक और साइंसदान सोडी ने यह दरियाफ्त किया कि एटम के एक अंसर के एटम के सारे मास मुख्तलिफ हो सकते हैं और मगर इनके एटम नंबर एक जैसे होते हैं और इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ये प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको अपने गोल्ड पर मार्च से फायदा हासिल किया होगा। तब तक के लिए कल और नए टॉपिक के साथ दोबारा हासिल होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।